आज हम बनाने वाले हैं आलू और अंडे से एक कटलेट। चार मीडियम साइज का आलू ले लिए हैं, उसको हम लोग काट के अच्छा से बॉईल कर लिए हैं। ओके, तो बॉईल करने के बाद हम लोग ने मैशर से अच्छे से मैश कर लिया है उसको। ओके, तो अच्छे से मैश करने से क्या होगा, आप जब कटलेट बनाओगे तो उसमें कोई लम्ब्स और गुठलियाँ नहीं रहे हैं। ओके, तो हम लोग ने इसे मैश करके रख दिए हैं। आप ग्रेटर से भी कर सकते हो तो अच्छे से वो मैश आउट हो जाएगा। उसमें हम लोग एक एक करके हम लोग को स्पाइसेस देंगे। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देंगे चॉप्ड ऑनियन, एक मीडियम साइज का ऑनियन चॉप कर लिए हैं, और टू मीडियम साइज के ग्रीन चिल्ली चॉप कर लिए हैं। दैट इज़ अप टू यू, चिल्लीज आप कैसे दोगे। ठीक है, तो चिल्लीज आप पूरा स्किप भी कर सकते हो फ्रेंड्स, बिकॉज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रेड मिर्ची पाउडर देने वाले हैं। सो इट इज़ अप टू यू कैसा आप लोग तीखा खाते हो। सो मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग कुछ स्पाइसेस देंगे। फर्स्ट जैसे कि हम लोग का आता है नमक, स्वाद अनुसार नमक देंगे। ठीक है, मैंने नमक थोड़ा सा दिया है क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा काला नमक देंगे। ओके, हाफ टी स्पून नमक आपका स्वाद अनुसार, थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, मैंने यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर दिया है, यहाँ पे थोड़ा दे रही हूँ हाफ टी स्पून करीब, क्योंकि मैंने ग्रीन चिल्ली दिया है इसलिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा धनिया पाउडर दूंगी हाफ टी स्पून। ओके, मैंने यहाँ पे एक 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया, जो धनिया सीड्स होते हैं, और 1 टीस्पून फेनल सीड्स जो सौंफ होते हैं, उसको मैंने पाउडर करके रखे हैं, उसको मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून दे रही हूँ। ओके, एंड थोड़ा सा गरम मसाला, तो अच्छे से फ्लेवर आता है। ओके, एंड यहाँ पे जो कोरिएंडर लीव्स और धनिया पत्ता वो मैंने चॉप करके रखा है, वो दे रही हूँ, तो अच्छा सा फ्लेवर आता है धनिया पत्ता के। इसको हम लोग अच्छा से मिक्स करेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, झटपट बनने वाली, एकदम गेस्ट आ जाए आप ऐसा बना के कटलेट बना के रख सकते हो। अगर जब गेस्ट आ जाए जस्ट फ्राई देम और सर्व कर सकते हो। ओके, झटपट बनने वाली एकदम रेसिपी। मैंने अच्छा से यहाँ पे सब इंग्रेडिएंट मिक्स कर दिया है। जस्ट मैं यहाँ पे 1/8 टीस्पून यहाँ पे हल्दी दूंगी। हल्दी हम लोग ने नहीं दिया है, 1/8 टीस्पून हल्दी दिया मैंने, उसको भी हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बाइंडिंग के लिए हम लोग यहाँ पे कॉर्नफ्लोर देने वाले हैं। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है, आप यहाँ पे रिफाइंड फ्लोर भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिए हैं। अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे जब आलू बॉईल करोगे तो उसको ना हार्ड बॉईल थोड़ा करना, और उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। एंड बाई चांस आपको थोड़ा पानी आपको ज़्यादा लग रहा है तो जब आलू रिमूव करोगे फिर उसको फ्रिज में रख देना। ठीक है, तो उतना हार्ड हो जाएगा तो उसका पूरा एकदम सॉगी सॉगी नहीं होगा। ठीक है, दैट इज द मेन टिप हियर। तो आपका आलू का जो कटलेट है बहुत अच्छा बनेगा। तो हम लोग को मिक्सअप अच्छा से हो गया है। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा कॉर्नफ्लोर ले लिया है फिर हाथ में लगाने के लिए, तो आपको हाथ में चिपकेगा नहीं। ठीक है, और ऐसा आपका शेप जैसा आपको पसंद है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप दे दूंगी, राउंड करके थोड़ा उबल दूंगी, देखने में तो अच्छा लगता है। ओके, देखिए कितना अच्छा लगता है, तो ऐसा करके दे सकते हो। देखिए थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिए, देखिए इज़न्ट लुकिंग गुड। तो ऐसा करके थोड़ा बना के रखते हैं हम लोग ने सुबह आप बना लिए हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हूँ, यहाँ पे 1 एग। ठीक है, अभी एग में हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट देंगे स्वाद अनुसार। ओके, और जस्ट पिंच चिकन डल 1/8, यहाँ पे थोड़ा हल्दी दूंगी। ओके, ऑलवेज एग में ना बिना हल्दी का एग कुक नहीं करनी चाहिए। ओके, तो हम लोग अभी इसको अच्छा से फेंट लेंगे, हम लोग का फेंटना हो गया है।
अभी हम लोग क्या करेंगे, एग हम लोग यहाँ पे डिप करेंगे एग में। ओके, इसको हम लोग अभी ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। एक हाथ ऑलवेज ड्राई रखिएगा, सब वेट मत कर दीजिएगा, तो एक ड्राई एक वेट तो आपको कैरी करने के लिए अच्छा इजी हो जाएगा। इसको हम लोग ना डबल कोटिंग करेंगे, तो उसका क्रिस्पीनेस बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एग में अभी डिप कर देंगे। ओके, इसलिए डबल कोटिंग किया। आप इसमें ये अंडे में आप यहाँ पे ब्लैक पेपर भी दे सकते हो, ब्लैक पेपर पाउडर, चिल्ली पाउडर, एनीथिंग। ओके, अभी इसको हम लोग फिर से ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ऐसा करके हम लोग सबको एक एक करके रेडी कर लेंगे। एक साथ हमको नहीं फ्राई करना है, आप इसको रेडी करके ऐसा फ्रिज में रख दोगे ना, वो भी बहुत अच्छा रहता है। ओके, व्हेन यू वांट टू हैव और सर्व यू कैन इसको फ्राई कर सकते हो। ओके, सो ये रेडी हो गया है, अभी हम लोग एक एक करके ऐसा रेडी कर लेते हैं। ओके, हम लोग इसे रेडी कर लिए हैं, अभी हम लोग फ्राई करेंगे मीडियम हीट ऑयल में। तेल जो भी आपका मनपसंद ले सकते हो। ठीक है, पहले हम थोड़ा देखेंगे तेल हम लोग गर्म हुआ क्या नहीं। तेल गर्म हो गया है। ओके, ठंडा तेल में मत दीजिएगा तो पूरा निकल जाएगा। ओके, तेल गर्म हो गया, देखिए और एक हम लोग फ्राई कर लेते हैं, दो दो करके करेंगे। कटलेट ऐसे पे ना एक कलर बहुत अच्छा लगता है, गोल्डन टाइप, isn't it? ये भी हो गया है, गैस को हम लोग ऑफ कर देंगे, अच्छे से कलर आ गया है। अभी हम लोग निकाल लेंगे इसको, टिश्यू में निकालेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है सोक हो जाएगा। सो देखिए कितने यम लग रहा है, फ्राई करने के बाद देखिए कितना अच्छा बाहर से क्रिस्पी एकदम लग रहा है, देखिए कितना अच्छा आवाज आ रहा है, isn't it? एकदम क्रिस्प। ये खिलाइए फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। ओके, अभी तक फ्रेंड्स आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग सिंधनेस रेसिपी। फ्रेंड्स, बाय बाय।